गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसों के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 12 पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। जो टॉपिक था डेयरी केमिस्ट्री दुग्ध रसायन, इस पार्ट पर आधारित आज अपना इंट्रोडक्शन चौथा है, जिसमें आप डिस्कस करोगे कि दूध के संघनन को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैप पे इफेक्टेड करने का कार्य करते हैं। आप बेसिकली दूध के संघनन के बारे में जानते भी हैं और काफ़ी डिस्कस भी किया है। तो दूध में अलग अलग प्रकार के घटक होते हैं और दूध एक प्रकार का रासायनिक दृश्य से परिभाषा के अंतर्गत भी आपने देखा दूध एक विषमांगी कोलाइडिंग मिश्रण का उदाहरण बताया गया। तो जनरली आप जानते हैं कि दूध में प्रोटीन, शर्करा, जल, खनिज तत्व, वसा, विटामिन, तो इनकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग दूध में, अलग अलग पशुओं के दूध में अलग अलग क्वांटिटी होती है और उसको निर्धारण के आधार पर ही दूध की गुणवत्ता को आइडेंटिफाई अपन करते हैं। बेसिकली आप देखते हैं कि कोई भी आपने पालतू पशु को देख रखा है और उस पर दूध की बात करें तो उसको मुख्य रूप से कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जनरली फैक्टर आपके सामने मैंने भी प्रेजेंट किए हैं। अब फिर बाद में एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपके बाद दिमाग में रहने से कि दूध के संघनन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक, पशु की प्रजाति, पशु की नस्ल, पशु की आयु, सारे का प्रयोग, मौसम का प्रभाव, बीमारियों का इफेक्ट, वायु की अवस्था, दूध दोहने का अंतराल और व्यायाम का प्रभाव, ये मुख्य मुख्य प्रकार के मुख्य बिंदु या इफेक्टेड पॉइंट हैं, उनको एक एक ओपन समझेंगे और एक एक के बारे में बात करेंगे। जनरली आप जानते हैं कि ये फैक्टर हैं जो कोई भी पशु हो उनके दूध के संघनन को क्या कहलाते हैं, इफेक्टेड करने में भूमिका निभाते हैं। बेसिकली आप जानते हैं कि जैसे पशु की प्रजाति की बात करें तो अच्छी प्रजाति की कोई भी फसल हो या जीव जंतु हो या मनुष्य हो, किसी की भी बात करें, अच्छी प्रजाति के हमेशा अच्छा दूध या अच्छा प्रोडक्ट हमेशा आपको प्राप्त होता है। जनरली आप जानते भी कि हमेशा मनुष्य में भी बात करें तो अच्छा रिश्ते को अपन देख के एंगेजमेंट को भी एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उससे होने वाले नए संतान की अच्छी प्रॉपर्टी होगी तो उसका डायरेक्ट नट उसका इफेक्ट पड़ता ही। तो हमेशा ध्यान रखना कि पशु की प्रजाति भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट दूध के संघनन को क्या करती है, इफेक्ट करती है। स्तनधारियों की जात प्रजातियों के अनुसार दूध संघनन बदल जाता है। उदाहरण के लिए गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट या अलग अलग प्रकार के प्रजाति के दूधारी पशुओं की प्रजाति उनको इफेक्टेड करने में मुख्य भूमिका निभाने का कार्य करता है। मान लो आपने दूध दोहने के लिए आप घर पे पशु पालन कर रहे हो, तब उसमें से कौन से पशु को सेलेक्ट करोगे जो ज़्यादा दूध उत्पन्न करोगे और उसी प्रजाति के पशु को आप सेलेक्ट करके घर पे पशु आहार के माध्यम से दूध उत्पादन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। दिमाग बात रहेगी पशु की प्रजाति। सेकेंड पॉइंट क्या बता रखा है, पशु की नस्ल, अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है। अलग अलग प्रकार की क्या होती है, नस्ल होती है, किस्में होती है, कहते हैं अलग अलग किस्म के बाजरे बाजरे होते हैं, अलग अलग किस्म के पौधे होते हैं, अलग अलग किस्म के जीव जंतु होते हैं। तो मान लो आपने गाय को सेलेक्ट कर रखी परंतु गाय की अलग अलग नस्लें होती है, अलग अलग किस्में होती है। आपने देखा होगा सांसोरी गाय, हरियाणी गाय, नागौरी गाय, पता है ना, तो अलग अलग प्रकार की प्रजाति की गायों की अलग अलग विशेषता होती है और उनके आधार पर उनका भी अलग अलग दूध उत्पादन या दूध के संघनन को इफेक्टेड करने में अपनी भूमिका निभाते हुए देखे जाते हैं। जनरली आप जानते हैं दूध उत्पादन करने में सेकंड पॉइंट पशु की नस्ल भी इफेक्टेड करने में काम करती है। दूध की मात्रा व संघनन पर पशु की नस्ल का प्रभाव पड़ता है। जैसे गाय का उदाहरण बताया जा रहा है, सालवे, हरियाणी, सिंगी, नागौरी, सांसोरी गाय आदि के दूध के संघनन को भिन्न भिन्न संघनन देखा जाता है तथा मुर्रा भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.4% के आसपास होती है, जबकि मावदी भैंस के दूध में 11-13% तक वसा की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। तो अलग अलग भैंसों की नस्लें भी होती है तो वो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अलग अलग प्रकार के फैक्टर इफेक्ट करती है, जिससे भी उसका इफेक्ट देखा जाता है। तो आपको मुख्य मुख्य बिंदु
आइडेंटिफाई दिमाग में रखना है और फिर बाद में उसके बारे में संक्षेप एक एक बिंदु को मेंशन करते हुए आप मैटर को अध्ययन करवा सकते हो। अब तीसरा पॉइंट क्या दे रखा है, पशुओं की आयु। पशु की आयु का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से इफेक्ट देखा जाता है कि पशु की आयु, मान लो जैसे एक तो पशु मान लो सिंपल सा कि मतलब बूढ़ी अवस्था में आप कहते क्या एजेड पशु है, मतलब बहुत मतलब वृद्धावस्था में गुजर रहे हैं कि बहुत मुश्किल से हिल चल पा रहा है या मूवमेंट कर पा रहा है, और उसके दूध की कंपैरिजन एक नई गाय की तुलना से आप करते हैं तो उसमें उसमें क्या होगा, रात दिन का अंतर होगा। एक तो बसारी उसको चलने की भी हिम्मत नहीं, फिर उसकी आयु को कंपैरिजन करो एक नई गाय फर्स्ट बार जो दूध उत्पादन करने के लिए प्रोसेस में आई तो उन दोनों गायों के दूध उत्पादन में क्या होगा, बहुत डिफरेंस होगा। तो पशु की आयु का भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई प्रकार से इफेक्ट देखे जाते हैं। आपने देखा भी होगा और मारवाड़ी में सुनते भी है कि जितनी गाय नई होगी मतलब लेटेस्ट दूध उत्पादन करने की टेंडेंसी होगी उतना ही दूध की अधिक क्वांटिटी में अधिक प्रदान करने की टेंडेंसी रहती है, जबकि भैंस जितनी पुरानी होती है उतनी दूध उत्पादन करने की क्षमता उसकी क्या रहती है, अधिक रहती है। तो ये पुराने काम होते हैं कि गाय नवेली तथा भैंस गाय घोरडी तथा भैंस बूढ़ी अवस्था में उसका विशेष योगदान दूध उत्पादन में होता है। सारे का इफेक्ट सारा जो मैन मुख्य उसका भोजन है आहार, अपनी सिंपल सी भाषा में कहें कि जैसा जैसा भोजन करता है उसके अनुसार वो कार्य भी करता है, जो व्यक्ति जैसा खान पान होता है उसके अनुसार उसका प्रोडक्ट भी उनको देखने को मिलता है, उसका कार्य भी उससे द्वारा होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट उसका भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्ट होता है। तो सिंपल सी भाषा में कहते हैं कि खाए वाना भले पाना, तो जैसा खान पान होगा उसके अनुसार उसका दूध उत्पादन होता है। तो देखते हैं आप सारे का विशेष प्रभाव पशुओं के दूध उत्पादन को इफेक्टेड करने में मुख्य भूमिका निभाता है। एक आप पशु को अच्छा खाना खिलाओगे तो उसमें दूध उत्पादन की क्षमता क्या होगी, एनर्जी बॉडी में होगी तो दूध उत्पादन अच्छा होगा, क्वांटिटी बढ़ती है और क्वालिटी में भी सुधार आता है। क्वांटिटी तथा क्वालिटी दोनों को सुधार करने में सारे की विशेष भूमिका देखी जाती है। और एक तो आप सूखा सागर सारा डाल रहे हो लेकिन कुतरे कुतरे डाल रहे हो और उसमें किसी प्रकार का अनाज अनाज पार्टिकल मिक्स कर रहे नहीं रहे हो तो फिर बाद में दूध उत्पादन धीरे धीरे और कम टीले की डिक्रीज हो जाता है और क्वालिटी भी डिक्रीज हो जाती है। जबकि आपने पशु को अच्छा खान पान दे रहे हो अच्छा मौर दे रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपने दूध उत्पादन की क्षमता भी क्या बढ़ जाती है। आप जनरली जानते भी है ना कि जैसा खाना होगा उसके अनुसार उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, मतलब दूध उत्पादन की प्रोडक्ट में भी मात्रा में भी और क्वालिटी में सब प्रकार देखे जाते हैं। मौसम का प्रभाव, मौसम का इफेक्ट भी होता है कि मौसम के अनुसार दूध उत्पादन की क्षमता क्या होती है ऊपर नीचे होती हुई देखी जाती है कि वर्षा ऋतु में एक तो आप देखते हैं और एक देखते हैं गर्मी में। गर्मियों में दूध उत्पादन की मात्रा आप देखोगे बहुत कम दूध उत्पादन होता है क्योंकि गर्मियों में पशुओं को बरसात के रहने की भी बहुत मुश्किल से गर्मी से अपना जीवन यापन भी कर पाते हैं और वो दूध दोहने में क्या सक्षम होते हैं बहुत न की तुलना में। जबकि आप बरसात को देखते हो तो सभी चारों तरफ हरियाली हरियाली हरा सारा मिलता है, खान पान अच्छा होता है और आसान से अपना भोजन प्राप्त करता है। तो मौसम के अनुसार उसके दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी क्या होता है इफेक्ट देखा जाता है। जनरली आप जानते भी हैं कि एक तो आप वर्षा ऋतु पशुओं को उदार पशुओं के दूध की कंपेरिजन गर्मी के दूध से करना दोनों में कितना रात दिन का डिफरेंस देखने को मिलेगा और उसमें क्वांटिटी में भी बहुत अंतर आ जाता है। तो दूध के संकल्प को पशु की प्रजाति पशु की नस्ल पशु की आयु सारा तथा मौसम का अलग अलग इफेक्ट देखा जाता है। बीमारी, बीमारी ऑब्वियसली कोई भी चीज मान लो बीमार हो जाएगा पशु मान लो बीमार हो गया तो बीमार होने पर उसका क्या हाईली इफेक्ट होता है। एक तो मान लो पशु स्वस्थ है संपूर्ण तंदुरुस्त है तो उसको दूध दोगे और उससे दूध उत्पन्न होगा उसकी गुणवत्ता का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में क्या होता है इफेक्ट एकदम प्रभावशाली होता है, अच्छा दूध होता है टेस्टी होता है। और एक इंजेक्शन बस उठ नहीं पाता उसको इंजेक्शन दे देंगे बीमार है और उसको इंजेक्शन दे के आप दूध निकालते हैं तो फिर वो दूध क्या होगा कोई काम का गुणवत्ता दूध नहीं होगा और उतना टेस्टी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बीमारी के समय पशु के दूध उत्पादन का संगठन तथा उनकी मात्रात्मक परिवर्तन देखा जाता है। जनरली ये प्रोसेस अपन कंसिडर भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं कि मतलब दूध की क्वांटिटी को बीमारी भी इंटीग्रेट करने में मुख्य भूमिका
निभाती है, बात दिमाग में रहेगी। अगला बिंदु दे रखा है वायु की अवस्था। वायु की अवस्था भी क्या इफेक्टेड करती है कि मतलब डायरेक्ट इंडायरेक्ट जो जो पालन पोषण करते हैं उसका भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट इफेक्ट देखा जाता। देखिए वायु की अवस्था के अनुसार दूध का संग्रहण है उसकी मात्रा प्रभावित होती है। वायु के प्रारंभ मध्यम तथा अंत में दूध का संग्रहण भिन्न भिन्न होता है। प्रारंभ अवस्था में दूध वसा की मात्रा कम होती है और बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाती है। मतलब वायु का मतलब आप देखते हैं उसके बिहाने की अवस्था कि आप कब कौन सी कंडीशन में दूध उत्पादन बढ़ेगा कौन सी कंडीशन में बढ़ेगा, तो मतलब उनके बिहार की अवस्था के अकॉर्डिंग भी दूध की संगठन एवं प्रॉपर्टी संचित होती हुई देखी जा सकती है। अगला बिंदु दे रखा है आठवां, दूध धोने का अंतराल। दूध धोने के अंतराल का विशेष इफेक्ट होता है। कोई मतलब लालसी है तो लालसी वो 3-4-5 बार दिन में पशु को बेचारा को धोता रहेगा, दूध उत्पादन 1 किलो भी हो रहा है तो भी 3-4 बार लग जाकर बाल्टी लेके बैठ जाते हैं दोनों शुरू रहते हैं एनीटाइम, तो फिर बाद में उसमें दूध उत्पादन में अंतराल धोने में अंतराल नहीं हुआ तो फिर बाद में दूध की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों क्या होता है इफेक्टेड हो जाते प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि बसान ने अभी खाना खाया ही नहीं और अभी तक बैठे नहीं और फिर बाद में वापस खड़ा करके धोना शुरू, तो फिर बाद में वो क्या नशे के माध्यम से नशों को आप दूध करके फिर नशा देके दूध दे रहे हो तो फिर उस दूध में कोई इतना इफेक्ट या बेनिफिट नहीं होगा, तो वो दूध क्या होता है स्वास्थ्य के लिए आपके लिए भी हानिकारक और पशु भी बसान उससे क्या होते हैं इफेक्टेड होते हुए देखे जाते हैं। तो दूध धोने का निश्चित अंतराल होना चाहिए। अपन देखते हैं नॉर्मली 5 से 6 घंटे के अंतराल के अकॉर्डिंग गाय भैंस को धोने से ताकि उसमें दूध की क्वांटिटी का क्वालिटी दोनों में सुधार देखा जाता है और उसके अनुसार आप खान पान दो व्यवस्थित उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करोगे। खान पान है मौसम के इफेक्ट, मान लो बारिश का मौसम है तो उसको मतलब सूखे में बांध दो, ऐसा नहीं पानी चारों तरफ पानी पड़ा तो पानी में उसको बसर बांध रख दें, तो ऐसे करने से पशु को क्या डायरेक्ट डायरेक्ट कई प्रकार के हानिकारक इफेक्ट देखे जाते हैं, विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जिससे उनके दूध के संगठन को डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्टेड होता हुआ देखा जाता है। और व्यायाम, व्यायाम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पशुओं को मूवमेंट करवाना आवश्यक है और आपने पशु को एनी टाइम घर पे एक खूंटे से बांध रखा है तो फिर बार सारा क्या हो जाएगा उसमें व्यायाम मूवमेंट नहीं हो पाएगा तो फिर बाद में दूध उत्पादन में क्या आएगी थोड़ी समस्या अकड़न हो जाती है उसमें, तो हमेशा के लिए आधे घंटे घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दे पशु को ताकि वो जितना भी दौड़ेगा नाचेगा जो भी करे करने दो, उसके लिए क्या हो जाएगी प्रकार कसरत हो जाएगी, तो पशु को खूंटे पर एक ही खूंटे पर बांधे हुए नहीं रखना चाहिए तो थोड़े देर दिन में 1-2 घंटे के लिए उसको खुला छोड़ दे ताकि मतलब उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट कर सकें ताकि उसका व्यायाम होगा तो उसको डायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट होता हुआ देखा जाता है। पशुओं को नियमित व्यायाम से पशु की दूध की मात्रा में कुछ कमी भी आ जाती है परंतु वसा की मात्रा बढ़ती भी जाती है। व्यायाम अनिवार्य होता है, व्यायाम मान लो पशु को जितना खुला छोड़ोगे तो उससे दूध की क्वांटिटी में जरूर इफेक्ट हो जाएगा परंतु क्वालिटी आपकी क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी, क्यों क्योंकि जितना मूवमेंट करेगा उसके अनुसार उसमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ देखा जाता है। तो ये थे दूध के संगठन को डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्टेड करने के फैक्टर हैं जो अलग अलग प्रकार के फैक्टरों के माध्यम से आपने स्थिति की कि दूध की क्वालिटी तथा क्वांटिटी को इफेक्टेड करने में मुख्य 9 फैक्टर हैं जो डायरेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट करने में विशेष भूमिका निभाते हैं। एक बार पुनः मैं दर्शा रहा हूँ और फिर बाद में अपन देखेंगे दूध के भौतिक गुणधर्म क्या है, दूध के बेसिकली सामान्य गुणधर्म क्या है उसके विभिन्न स्टडी करेंगे। देखिए पशु की प्रजाति का इफेक्ट, पशु की नस्ल का इफेक्ट, पशु की आयु का इफेक्ट, सारे का प्रयोग, मौसम का प्रभाव, बीमारियां का इफेक्ट, पायतु की अवस्था, दूध धोने का अंतराल तथा व्यायाम का प्रभाव डायरेक्ट इंडायरेक्ट देखा जाता है। जनरली ये बातें मुख्य बातें आपके दिमाग में रहने से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, कई बार आपका एग्जाम पूछा गया है और ध्यान दें व्यवस्थित रूप से समझते हो अपने मैटर को व्यवस्थित कंटेनमेंट तैयार करें। अगला बिंदु अपना रहे आज का है वो है दूध के भौतिक गुणधर्मों क्या क्या होते हैं उसको अपने स्टडी करने जा रहे हैं, तो जो मैटर आपके सामने ओपन करवा रखा है उसका पूरा एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर बाद में अपना आगे बढ़ रहे हैं। देखिए हो गया स्क्रीनशॉट आपका। देखिए दूध के बेसिकली भौतिक गुणधर्म क्या क्या बताए गए उसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। दूध सफेद रंग का विस्मानी कोलाइडी विलयन बताया गया, कैसा है दूध सफेद रंग का विस्मानी
कोलॉइड विलयन बताया गया है। क्या है? कोलॉइड विलयन है। दिमाग बात रहेगी। दूध में बेसिकली देखें ज्यादातर सफेद रंग होता है, वो किसकी वजह से होता है? कैसीन की वजह से सफेद रंग होता है, जिसको अपन ने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। परंतु आप देखते हैं गाय के दूध में हल्का अपन पीलापन का रंग देखा जाता है। पीलापन की वजह क्या है कि उसमें कैरेटिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरेटिन की वजह से पीला रंग होता है। स्वाद मीठा होता है। घनत्व गाय के दूध का बताया जा रहा है 1.028 से 1.030 के आसपास बताया गया, और भैंस के दूध का घनत्व होता है 0.1.023 बताया गया। दूध का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर दूध उबलता है, तथा फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक बिंदु दूध का दर है -0.52 से -0.56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध क्या होता है? बर्फ में भी कन्वर्ट हो जाता है। दूध की पीएच 6.4 से 6.7 के बीच में बता रखी होती है, अर्थात अपन बताए तो दूध की प्रकृति अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है। दूध विद्युत का सुचालक होता है, और दूध के गाढ़ेपन के होने का मेन कारण बताया गया है। इसमें प्रोटीन की उपस्थिति, कैसीन, लेसिन, एल्बुमिन, ग्लूबिन, अलग अलग प्रकार के प्रोटीन थे, उनकी उपस्थिति की वजह से एक दूध का गाढ़ापन देखा जाता है। तो ये जनरली गुणधर्मों को अपन कंसिडर करते हैं, तो दूध के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, दूध के सिंगम को अलग अलग फैक्टरी इफेक्टेड करते हैं, और दूध में अवयव घटक अलग अलग हैं, तो उनके बारे में बेसिकली काफ़ी चीज़ को आपने डिस्कस किया है, स्टडी करें समझे, और उसके बाद अपन देखेंगे अगले वीडियो लेक्चर में दूध के विभिन्न प्रकार के प्रकार होते हैं, अलग अलग सिंथेटिक दूध क्या होता है, वैज्ञानिक मापन क्या होता है, अलग अलग प्रोसेस के अकॉर्डिंग दूध को अपन आइडेंटिफाई करेंगे। तो यह था आज का वीडियो लेक्चर, व्यवस्थित रूप से समझे, स्टडी करें, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट होता समस्या का समाधान करें। इम्पोर्टेंट बात है गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो तथा नया नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।